अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ANN के बारे में इस डीप लर्निंग की सीरीज में। जैसे कि हमने पिछली क्लासेस में थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स ले लिए हैं, तो अब हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ मूव हो रहे हैं और हमारा पहला प्रैक्टिकल एग्जाम्पल होगा ANN पे, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। तो पहले आपको अपना ब्राउजर खोलना है। जैसे कि मेरे पास गूगल क्रोम है तो मैंने वो खोल दिया है। उस पर आपको सर्च करना है गूगल कोलैब। यहाँ पे आप आएंगे तो आपके पास आ जाएगा वेलकम टू कोलैबोरेटरी। आप यहाँ पर आकर अपनी नोटबुक्स क्रिएट कर सकते हैं। हम यहाँ पे अपनी न्यू नोटबुक क्रिएट करेंगे। न्यू नोटबुक क्रिएट करने के बाद यहाँ पे आपका फर्स्ट स्टेप हमेशा ये होता है कि आप अपनी नोटबुक का नेम चेंज करें। तो हमारा जो कोर्स है ML/DL/DL, क्योंकि मैंने शिफ्ट पकड़ा हुआ था तो वो क्वेश्चन मार्क दे रहा था, यहाँ पे हम ANN लिख देंगे। पहला स्टेप हमारा ये होता है कि आप लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करें। तो हम यहाँ पे यही करते हैं, इंपोर्ट लाइब्रेरीज, इंपोर्ट टेंसर फ्लो एस TF। हमने उसको LSS भी प्रोवाइड कर दी। इंपोर्ट हमें इंपोर्ट करना है डेटा सेट, तो हम करेंगे फ्रॉम टेंसर फ्लो डॉट केरास डॉट डेटा सेट्स। क्योंकि हमने वहाँ पे पहले ही LSS दिए हुए हैं तो हम यहाँ पे TF भी यूज कर सकते हैं। इम्पोर्ट फैशन अंडरस्कोर एमनेस्ट, हम इसे रन करते हैं। तो ये थोड़ा पहले टाइम लगाता है कनेक्टिंग और इनिशियलाइजेशन में, तो हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। X train कॉमा Y train, X test कॉमा Y test इज इक्वल्स टू फैशन अंडरस्कोर एमनेस्ट डॉट लोड डेटा। तो यहाँ पे हमें बोल रहा है कि सेकंड लाइन में मसला है, तो हम डायरेक्टली टेंसर फ्लो पूरा लिखते हैं और फिर देखते हैं कि कोई इशू आ रहा है नहीं आ रहा। तो ये हमारा अब लोड भी हो गया डेटा। लोड करने में ये मसला कर रहा है, क्या मसला है, फैशन एमनेस्ट डॉट लोड। अच्छा, हमने यहाँ पे फंक्शन की ब्रैकेट्स नहीं लगाए जिसकी वजह से हमें एरर मिल रहा है। तो ये लोड भी हो गया हमारे वेरिएबल्स में। हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि हम इसकी शेप चेक करें। तो X train डॉट शेप, हम इसकी शेप को देखते हैं। तो इसमें X train में जो हमारा X training का वेरिएबल है उसमें 60,000 इमेजेस है और उनकी शेप जो है वो 28,28 है। और अगर हम उसकी नंबर ऑफ पिक्सल्स देखना चाहें तो वो हम कैसे देखेंगे, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके। 28 को हम 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ पिक्सल्स आ जाएंगे, लेंथ और विड्थ उनकी पता हमें चल जाएगी। तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि उनकी पिक्सल्स कितने होंगे इस इमेज में। अब अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्टेप होता है नॉर्मलाइजेशन का, कि आप जो भी आपके एक्स वेरिएबल हैं X test और X train, उन दोनों को नॉर्मलाइज करें। नॉर्मलाइज हम क्यों करते हैं, ताकि वो एक स्पेसिफिक स्केल में आ जाएं और उनको हैंडल करना इजी हो। वो हमें कैसे पता चलता है, आप देखते हैं कि उनकी स्केल क्या है। अगर वो ग्रे स्केल में है तो ग्रे स्केल की मैक्सिमम वैल्यू 0 से लेकर 255 तक होती है, तो हम डायरेक्टली 255 से डिवाइड कर रहे हैं। ये एक बिल्ट इन डेटा सेट है तो हमें पहले से ही पता था, वरना फिर आपको डेटा सेट को एक्सप्लोर करना पड़ता है, उनकी इमेजेस को एक्सप्लोर करना पड़ता है कि वो किस स्केल में है, फिर आपको उसको एक स्पेसिफिक स्केल में लाना पड़ता है। हम इसे अगर 255 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 और 1 की स्केल में आ जाएगा, तो हम इसे कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद हमारा होता है कि हम एक्स जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं उनकी शेप को रीशेप करें। रीशेप हमारे पास एक फंक्शन होता है -1,28 × 28। बस भाई, जितने भी वेरिएबल्स हैं ना उनकी शेप को 28 × 28 कर दो। और -1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, -1 रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके जो पिछले इमेजेस हैं उन सबको लाओ लाइन बाय लाइन एक सीक्वेंस में और फिर उनकी शेप इस स्पेसिफिक स्टेट में आप कन्वर्ट कर दो। ये हमारा रन हो जाता है तो फिर हम फर्दर ऑन
आगे काम करते हैं। ये हमारा रन हो चुका है, अब हम क्रिएट करते हैं मॉडल। मॉडल इज इक्वल्स टू टी एफ डॉट केरास डॉट मॉडल्स डॉट सिक्वेंशियल। अब सिक्वेंशियल का मतलब क्या है? सिक्वेंशियल का मतलब ये है कि आप एक इनिशियलाइजेशन कर रहे हो किसी भी चीज़ की। हम इनिशियलाइजेशन करते हैं जैसे इनॉग्रेशन होती है किसी भी चीज़ की, तो ये है इनिशियलाइजेशन। आप उसको इनिशियलाइज कर रहे हो। हम लिस्ट बनाते हैं तो उसके आगे ब्रैकेट्स लगा देते हैं, वो समझ जाता है कि हमारा कंपाइलर कि ये हम लिस्ट बना रहे हैं। जैसे अगर हमें कोई भी डिश बनानी होती है तो हम क्या देखते हैं उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स आने वाले हैं, उसके क्या क्या स्टेप्स होंगे। तो हम भी यहाँ पे अपना मॉडल बना रहे हैं, न्यूरल नेटवर्क बना रहे हैं और उसमें डिफाइन कर रहे हैं कि ये लेयर्स उसमें होनी चाहिए। इनपुट लेयर तो पहले से ही डिफाइंड होती है, हमें हिडन लेयर्स और आउटपुट लेयर को डिफाइन करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं हिडन लेयर से। मॉडल डॉट एड टी एफ डॉट केरास डॉट लेयर्स डॉट डेंस। इसके अंदर हम क्या करते हैं, पहले पहले हमारा वेरिएबल होता है यूनिट्स। यहाँ पे ये आपको हिंट्स भी देता है कि क्या होना चाहिए वेरिएबल, तो ये बहुत अच्छी बात है गूगल कोलैब की कि वो आपको हिंट्स देता रहता है कि आपके पास ये वेरिएबल्स यूज़ हो सकते हैं। अब हम इसी कमांड को कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। यहाँ पे हम लिख लेंगे 10 न्यूरॉन्स होने चाहिए। यूनिट्स न्यूरॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं और एक्टिवेशन हिडन लेयर में रिलो प्रेफर किया जाता है और आउटपुट लेयर में सॉफ्ट वैक्स नहीं सॉफ्ट मैक्स। यहाँ पे मैंने क्या मिस्टेक की वो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएं। जब हमारे पास लेयर्स बन चुकी हैं तो फिर हम क्या करते हैं, हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम कंपाइल करें। जब हम इसको कंपाइल करते हैं तो हमारे पास पहला पहला जो वेरिएबल होता है, जो पैरामीटर होता है, वो होता है ऑप्टिमाइजर। ऑप्टिमाइजर इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए हमारे पास, एडम। अब एडम है क्या, अलग से कोई ग्रेडियंट डिसेंट है या जो हमने टाइप्स पढ़े थे ग्रेडियंट डिसेंट के उनका कोई सब टाइप है, ये आप हमें कॉमेंट सेक्शन में बताएं। अब हम देखते हैं कि ऑप्टिमाइजर हो गया। ऑप्टिमाइजर के बाद क्या होता है, लॉस। लॉस क्या होता है, स्पेयर्स अंडरस्कोर कैटेगोरिकल अंडरस्कोर क्रॉस एंट्रोपी। ये वेरिएबल हमारा आ चुका है। उसके बाद हम क्या डिफाइन करते हैं, मैट्रिसेस। मैट्रिसेस मैट्रिसेस हम शायद स्पेलिंग गलत लिख रहे हैं, हमारे पास यही स्पेलिंग है तो ठीक है। हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी एक्यूरेसी, यहाँ पे हमारे पास आ गई एक्यूरेसी। हमने कंपाइल भी कर दिया मॉडल को, एरर आ गया। ये अच्छा हुआ कि आपके सामने ही एक एरर आ गया तो हम उसको इजीली अब रिजॉल्व कर सकते हैं कि एरर है क्या। एरर हमें बता रहा है कि लाइन नंबर 3 पे एरर है और लाइन नंबर 3 पे किस चीज़ का एरर है, अननोन एक्टिवेशन सॉफ्ट। अच्छा, क्योंकि हमने यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिखी है तो उसकी वजह से वो उसको पहचान नहीं सका। तो यहाँ पे हो गया हमारा। अब हम मॉडल को फिट करते हैं। मॉडल डॉट फिट एक्स ट्रेन कॉमा वाई ट्रेन कॉमा इपॉक्सिस इज इक्वल्स टू 5। हम 5 इपॉक्सिस को देखते हैं और देखते हैं कि इसका लॉस और इसकी एक्यूरेसी कहाँ तक जाती है। पहले इपॉक में इसकी लॉस जो है 0.49 है और एक्यूरेसी 82% है। इतनी एक्यूरेसी पहले ही इपॉक्सिस में लाना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये हमारा एक बिल्ट इन डेटा सेट है, क्लीन डेटा सेट है, तो इसमें इतनी एक्यूरेसी एक्सपेक्टेड है हमें। हम अगर इसको अभी एवेल्युएट भी करेंगे तो इसकी एक्यूरेसी 85% से ज़्यादा ही होगी। हम देखते हैं मॉडल, हम डायरेक्टली मॉडल डॉट इवेल्युएट करते हैं और यहाँ पे हमें क्या देना है, एक्स टेस्ट कॉमा वाई टेस्ट। ये हमने दे दिया तो ये हमें डायरेक्टली बता देगा कि आपकी एक्यूरेसी क्या है। 87% हमारी टेस्टिंग एक्यूरेसी आ रही है तो ये मोर देन इनफ है। अब आपका होमवर्क क्या है, आपका होमवर्क ये है कि आप ANN ही एक दूसरा बिल्ट इन डेटा सेट है साइफर 10 के नाम से,
उस पर ये इम्प्लीमेंट करें और फिर हमें उसका होमवर्क भेजें। ये आपका होमवर्क है। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।